क्या हाल है दोस्तों। मेरा नाम है तरुण शर्मा और हमारे चैनल वन माइल व्लॉग्स में आपका दोबारा स्वागत है। आज का व्लॉग होने जा रहा है एक ऐसे मंदिर के बारे में जो बहुत फेमस है। यहाँ पर जो भी घूमने आता है दतिया के आसपास या फिर एमपी में, उस मंदिर में तो मस्ट है, विजिट करके जाता ही जाता है। तो आज हम लोग उस पूरे के पूरे मंदिर को एक्सप्लोर करने वाले हैं और साथ साथ आपको भी उस मंदिर के बारे में फुल डिटेल में बताने वाले हैं और अपने साथ साथ आपको भी विजिट कराने वाले हैं। तो साथ में जुड़े रहिए, पूरी वीडियो को एंड तक देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। मंदिर पहुंचने से पहले ही एक बहुत ज़रूरी काम याद आ गया हम लोगों को, और वो काम ये है कि हम लोगों की स्कूटी हो चुकी है पंचर, और मंदिर पहुंचने से पहले अब पंचर बनवाने का काम हम लोगों का स्टार्ट हो रहा है। ये रखी है स्कूटी, ये भैया की दुकान पे आए हैं, भैया देखेंगे क्या समस्या है, जल्दी से जल्दी काम हो जाए जिससे हम लोग मंदिर पहुँच पाए, फिर आप लोगों को विजिट कराते हैं मंदिर। हम लोगों की जो स्कूटी पंक्चर हो गई थी उसको ठीक करा ली हम लोगों ने, अब मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बट एक और प्रॉब्लम आ गई है कि पंक्चर सही कराने के बाद अब पेट्रोल ख़त्म हो गया है गाड़ी में, तो बस हम लोग अब ये देखिए आप जा रहे हैं पेट्रोल पंप की तरफ। यहाँ पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल पास में ही आके ख़त्म हुआ पेट्रोल। ये अच्छी चीज़ है, पेट्रोल डला सकते हैं। अगर आप बाई ट्रेन आते हैं तो सोनागिर का भी रेलवे स्टेशन है, वहाँ सारी ट्रेन तो नहीं बट कुछ ट्रेन हैं जो वहाँ पर रुकती हैं, तो आप अगर डायरेक्ट विजिट करना चाहते हैं तो बाई ट्रेन अगर आप आएंगे तो वहाँ रेलवे स्टेशन पर उतर कर वहाँ से ऑटो पकड़कर, ज़्यादा दूर मंदिर वहाँ से है नहीं स्टेशन से, 1-1.5-2 किलोमीटर है, तो वह ऑटो पकड़ के आप जा सकते हैं। बट हम लोग तो बाई रोड ही जा रहे हैं, तो ये जो पूरा हाईवे जा रहा है ये आप देख रहे हो, ये झांसी ग्वालियर हाईवे है, इसी हाईवे के बीच में ही पड़ता है। दोस्तों फाइनली हम लोग मंदिर तक पहुंच गए हैं, और अब मंदिर के फ्रंट का जो मेन मंदिर है वहां पर हम लोग बस जा रहे हैं। और यहीं से आपको दिखाएं, एक्चुअली यहां पर कहा जाता है कि 108 से ज़्यादा मंदिर हैं, बट मंदिर के जो नंबर्स हैं, मतलब हर एक मंदिर पर नंबर लिखा हुआ है कि कौन से नंबर का मंदिर है क्या है, तो वो यहीं से स्टार्ट हो गए हैं। देखिए आप, वो सामने लिखा हुआ है मंदिर नंबर 11 और 12। चलो अब हम लोग जाते हैं मंदिर की तरफ जो मेन मंदिर है, आप लोगों को विजिट कराते हैं अपने साथ।
हम लोगों को यहीं पे उतारने पड़ेंगे सारे के सारे सूट्स, क्योंकि मंदिर में अंदर पहन जाना अलाउ नहीं है, तो इसलिए सारे के सारे सूट यहीं उतारने पड़ेंगे, चाहे आप स्लीपर पहन के आए चाहे सूट। ये मेन गेट है मंदिर का, जो मुख्य मंदिर है ये। क्या बात है, ये हम लोग प्रवेश कर चुके हैं मंदिर के मेन गेट में। ये एंट्री गेट है पीछे, वो दबा दो। सूरज कितना डब लग रहा है, मौसम भी कितना प्यारा है, देख रहे हैं पीछे सूरज कितना गजब लग रहा है। एक्चुअली यहाँ पर जितने सारे भी मंदिर हैं, उन सारे के सारे मंदिर पर नंबर नंबर सिस्टम है, नंबर लिखे हुए हैं कि कौन से नंबर का मंदिर कौन सा है। जैसे आप यहाँ देखिए, ये मंदिर नंबर 3, ये नंबर 4 है, ये मंदिर नंबर 4 है। ऐसे ये पूरे के पूरे पहाड़ पर जितने भी मंदिर हैं उन सब पर नंबर लिखे हुए हैं। और मैं आपको बताऊँ, चाहे मैं किसी हिस्टोरिकल प्लेस पर जाऊँ या किसी मंदिर में, जो सबसे बेकार सिस्टम लगता है, कुछ ऐसे लोग घूमने के लिए आते हैं जो हमारे यहाँ की जो अच्छी चीज़ें होती हैं घूमने लायक, उनमें दाग लगा देते हैं। मैं बताना चाहता हूँ आपको ऐसा क्यों कह रहा हूँ। देखिए ये देखिए, ये दीवारों पर प्यार की निशानियाँ छाप जाते हैं, नंबर भी लिखे हुए हैं भाई। ये देखो, किसी को चाहिए हो तो नंबर भी ले सकते। क्या है ये सब, इन लोगों को पता नहीं कब समझ आएगा कि ये कितनी बड़ी बेवकूफियां होती हैं, जो लोग बाग यहाँ आके ये नाम लिख देना, नंबर लिख देना, ये कभी नहीं करना चाहिए। ये पीछे रहा नंबर 5 मंदिर। जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते जाएंगे, आपको मंदिर के जो नंबर्स हैं वो भी दिखते चले जाएंगे। ये मंदिर नंबर 6, पीछे मंदिर नंबर 8, एक दूसरे के सामने बने हुए हैं मंदिर नंबर 7, ये पीछे सब पास में बने हुए हैं मंदिर नंबर 9। अब यहाँ पर जो आप इतने सारे मंदिर के नंबर देख रहे हैं ना, इन सारी के सारे मंदिर में भी जो सबसे ज्यादा मेन और सबसे ज्यादा फेमस मंदिर है वो है 57th नंबर का मंदिर, जिसके लिए ये पूरा का पूरा मंदिर या सोनागिर एरिया जाना जाता है, वो है भगवान चंद्र प्रभु जी का 57वां नंबर का मंदिर। जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचेंगे, पास में आपको दिखाएंगे, और वहाँ पर उनकी मूर्ति भी बनी हुई है। वो मूर्ति कितनी बड़ी है, 11 फीट। हाँ, 11 फीट की वो मूर्ति बनाई गई है, 11 फीट ऊंची मूर्ति है। और जो मुख्य मंदिर में से एक है वो वही 57वां मंदिर है भगवान चंद्र प्रभु जी का, जो हम आपको आगे चल के दिखाने वाले हैं। ओवरऑल मंदिर 108 है, 108। और टोटल मंदिरों की संख्या अगर आपको हम बताएं तो वो है 108। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, इसका रीज़न मुझे नहीं पता है, कि मैं किसी भी नंबर के मंदिर के सामने आ जाऊं लेकिन सभी मंदिर पर यही लिखा है, दिगंबर जैन मंदिर श्री आदिनाथ जी का मंदिर। ये है मंदिर नंबर 14, इस पर भी लिखा है श्री आदिनाथ जी का मंदिर। एक इम्पोर्टेंट चीज़ और, सब जगह कि यहाँ पे जो 108 मंदिर हैं उनमें 76 मंदिर तो पहाड़ी पे हैं, और 26 मंदिर जो वो गाँव में बसे हुए। Thank you.
अभी तो सर्दियों का मौसम चल रहा है तो यहाँ कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं घूमने में, बट अगर आप गर्मियों में आते हैं, मैं एक बार आया था काफ़ी टाइम पहले, तो चलने में बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि यहाँ पर जो मार्बल और नीचे के पत्थर हैं बहुत बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। बट यहाँ ये चीज़ अच्छी है, जहाँ भी हम लोग घूम रहे हैं चारों तरफ पेड़ बने हुए हैं, तो आराम से आप पेड़ों की छाँव में रेस्ट कर सकते हैं। ये क्या है, नदी और झील टाइप की बनी हुई है सामने, ऊपर मंदिर को है आगे भी क्या है। आगे तो मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या है, बट व्यू बड़ा प्यारा लग रहा है, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं, एकदम से छांव है यहाँ पर। चारों तरफ पर घना जंगल है, पेड़ ही पेड़ है, कितनी शांति है चारों तरफ। इस पहाड़ी पर फैले पूरे के पूरे मंदिर की आपको एक बार झलक दिखाना चाहेंगे, जो यहाँ पर एक डेमो के तौर पर बनी हुई है छोटे से हिस्से में। अब आप देख सकते हैं पूरा, हम आपको सफर कराते हैं। पूरे 132 एकड़ में फैले इस मंदिर का जो मुख्य केंद्र है, जो मुख्य दर्शन का केंद्र है, वो है ये वाला मंदिर। ये है मंदिर नंबर 57, जो सबसे ज़्यादा फेमस है और सबसे ज़्यादा दार्शनिक है, इसी की वजह से ये पूरा मंदिर फेमस है। ये है भगवान चंद्र प्रभु जी का, चलिए आपको इसी में दर्शन कराते हैं। क्योंकि अब सर्दियां भी स्टार्ट हो गई हैं, तो मंदिर जो और जो पहाड़ी जो आप आराम से देख सकते थे, वो देखना इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहां पर धुंध इतनी छाई हुई है कि वहां का पहाड़ वैसे हम लोग आंखों से देख सकते हैं, लेकिन आई डिड नॉट थिंक सो कि कैमरा अगर वो कैप्चर कर पा रहा हो, पीछे की पहाड़ी अगर आपको दिखाई दे रही हो तो वो पॉसिबल नहीं है। नहीं तो पूरा का पूरा पहाड़ी पर बना है, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ी है, मैं ऐसे देख सकता हूँ लेकिन शायद कैमरा कैप्चर ना कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं मंदिर की तरफ और ऊपर चलते हैं। मैंने आप लोगों को जैसे बताया था कि वो मंदिर नंबर 57 जो भगवान चंद्र प्रभु जी के लिए सबसे ज़्यादा फेमस था, अब हम लोग थोड़ा और ऊंचाई पर आए हैं वो मंदिर के बाद, तो यहाँ पर मंदिर नंबर 47 के जस्ट सामने जो भगवान चंद्र प्रभु जी की मूर्ति बनी है, वो है पूरी की पूरी 11 फीट की। अब हम आपको दर्शन कराते हैं उस मूर्ति के, आप भी हम लोगों के साथ आइए, आपको दिखाते हैं। ये है वो मूर्ति भगवान चंद्र प्रभु जी की, जो 11 फीट ऊँची है और पूरी की पूरी चट्टान को तोड़ कर काट कर बनाई गई है। इसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि अलग से मूर्ति बनाई गई थी और फिर यहाँ पर आके स्थापित कर दी गई, जो पूरी की पूरी मूर्ति है वो पहाड़ को काट कर ही बनाई गई है। ये इस मूर्ति की सबसे बड़ी खासियत है। जय हो प्रभु। फीलिंग ही अलग है यहाँ आने के बाद, बड़ी शांति है, बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पर। देखिए आप बिल्कुल एंड तक, आई होप कि देखो आपको दिखा पाए कहाँ तक फैला हुआ है, देखिए आप।
बढ़ते हैं मंदिर की और ऊंचाई की तरफ, थोड़ा और ऊपर जा रहे हैं। अब देखते हैं कितने मंदिर और रह गए हैं। मंदिर तो बहुत हैं, मेन मंदिर जो था वो आपको घुमा दिया है। ये रहा और ऊपर आने के बाद कुछ ऐसा नजारा। फाइनली हम लोग इस पहाड़ी का जो टॉप का मंदिर है, सबसे ऊंचाई पर जो बना हुआ है, वहां तक हम लोग आ गए हैं। और इसके बाद और ऊंचाई पर जाने के लिए अब कोई मंदिर है नहीं, तो अब आप लोगों को दिखा दे रहे हैं कि जो आखिरी मंदिर बचा हुआ है, देखिए ये है पीछे हम लोगों के, जहां हम लोग जा रहे हैं। ये आखिरी मंदिर है, इसके बाद और ऊपर जाने का कोई वे है नहीं, क्योंकि ये पहाड़ी पे सबसे ऊंचाई पे जो मंदिर बना हुआ था वो यही है जहां अभी हम लोग जा रहे हैं। ये जलकुंड बना हुआ है, देखते हैं पानी है कि नहीं इसमें। नहीं है, काफी कम है अभी तो, फिलहाल खाली पड़ा हुआ है। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़ा बहुत पानी, अभी तो कुछ है नहीं उसमें। लेकिन इतने अच्छे टाइम पर हम लोग आए हैं ना, बिल्कुल सूरज बिल्कुल लाल सा दिखाई दे रहा, हल्की हल्की सी धुंध, इतनी भी सर्दी नहीं है कि हम लोगों का घूमना मुश्किल पड़ जाए। सोनागिर मंदिर जैन धर्म का सबसे ज़्यादा सिद्ध और सबसे ज़्यादा प्रचलित मंदिर है पूरे के पूरे एमपी में, और इवन मुझे तो लगता है इंडिया से भी बहुत से लोग हैं जो यहाँ पर घूमने आते हैं। और यहाँ पर बहुत से संत जन यहाँ पर मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं। मैंने जब थोड़ा रिसर्च किया था तब देखा था इसमें लिखा था कि करोड़ों जैन मुनि संत लोग यहाँ पर मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं अभी तक। तो इतना ज़्यादा सिद्ध है और इतना ज़्यादा मोक्ष प्राप्त करने के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए, यहाँ पर अनुशासन की प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे संत मुनि आते हैं, जैन मुनि आते हैं, यहाँ संत जन आते हैं। यहाँ पर एक और मंदिर है पीछे की तरफ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे हमारे पीछे, बट वहाँ पर कैमरा और ये सब ले जाना अलाउ नहीं है, तो ये सब हम लोगों को बाहर ही रखना पड़ेगा। तो यहीं बाहर को सबमिट करके हम लोग मंदिर में अंदर दर्शन करने जा रहे हैं, तो अंदर तो आपको नहीं दिखा पाएंगे कैसा मंदिर बना हुआ है क्या है, बट मंदिर से दर्शन कर लेने के बाद आपसे मिलते हैं। गाइज, आप लोगों को बताया था कि इस पूरी की पूरी पहाड़ी पर जो 76 मंदिर बने हुए हैं, इनमें से कुछ मंदिर तो मैंने आपको दिखाए थे, काफ़ी बड़े हैं, अलग से ही सेपरेट बने हुए हैं, वो देखने में लगते हैं जैसे मंदिर, जैसे वो देखिए पीछे बना हुआ है एक हम लोगों के पीछे। लेकिन ये जो आप छोटे छोटे मंदिर देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे मंदिर जो बने हुए हैं, इनको इंक्लूड करके ही 76 मंदिर,
पहाड़ी पे है, पहाड़ी पर गिने जाते हैं। ये जो आप मंदिर देख रहे हैं सारे के सारे, ये मंदिर भी काउंटिंग में आते हैं। इन्हीं सबको इंक्लूड करके ही 76 मंदिर पूरे के पूरे गिने जाते हैं। ये रहा, और ये आखिरी मंदिर था जो टॉप पर था। इससे ऊपर जाने का कोई रास्ता है नहीं, यहीं पर जो मंदिर का एंड है ये एंड होता है। और ये दतिया की सीरीज में हम लोगों का थर्ड ब्लॉक था। और इस मंदिर को दो और नाम से जाना जाता है जिसके बारे में आपको बताएंगे विवेक शर्मा जी। तो भाई पहला नाम तो जो इसको पुराने टाइम से जाना जाता था वो है श्रमणगिरी, और सेकंड नेम है स्वर्णगिरी। दो नाम और हैं इसके, हम लोग सोनागिरी के नाम से जानते ही। हाँ, घर की तरफ जा रहे थे हम लोग, नीचे उतर रहे थे, मंदिर में एक जगह और मिल गई जो चौकी नंबर 60 है, ये लिखा हुआ है। बस इसमें क्या है कि एक्चुअली थोड़ा भूल भुलैया टाइप का रास्ता है, यहाँ से भी जीने हैं वहाँ से भी जीने हैं उतरने का। एक बार चलते हैं देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। आओ, कुंड टाइप बना हुआ है वो तो पूरा का पूरा गोल। अच्छा, यहाँ से जीने हैं। अब यहाँ से हम लोगों को एंटर करना है। क्या बात है, यहाँ से तो पूरा का पूरा सोनागिर दिखाई दे रहा है भाई इस ठंडी ठंडी हवा में। और बहुत ही अच्छे टाइम पर व्लॉगिंग करने आए हैं तो इतनी कोई परेशानी नहीं झेलनी पड़ी। अच्छा, और ऊपर है। यहाँ तो जीने ही नहीं खत्म हो रहे, हम लोग टॉप पर आते जा रहे हैं। एक और, ये रहा। चलो फाइनली आ गए, अब इससे ज्यादा ऊंचाई पर तो है नहीं। अच्छा, ये मंदिर है, ये है प्रभु जी का मंदिर। जय राम जी की। चलो आ गए हम लोग मंदिर के बाहर की तरफ। अब मंदिर में इतना घूम लिया है कि घूमने के ज़्यादा मन हो रहा है कि थोड़ा चाय पी ली जाए या कुछ नाश्ता पानी कर लिया जाए। बाहर इतनी सारी शॉप बनी है, चलते हैं किसी भी शॉप पर। चलो मंदिर के बाहर आ गए हैं, अब थोड़ा नाश्ता पानी की दुकान देख रहे हैं हम लोग, कहीं चाय वगैरह पीने को मिल जाए। चलते हैं किसी शॉप में। हाँ, अपनी है। कहाँ चलेगा भैया? चलो भैया की दुकान पर आ गए हम लोग, यहाँ पर चाय वगैरह पियेंगे हम लोग, नाश्ता करेंगे। और भैया आपका नाम क्या है? किशन। आपका? शैलन राजपूत। भैया आपका कब से दुकान है भैया अपनी, कितनी पुरानी दुकान है? 40 साल हो गया, पापा वगैरह करते थे। अच्छा अच्छा 40 साल भैया की दुकान को 40 साल हो चुके हैं, तब से लगातार भैया यहाँ पर देखभाल कर रहे हैं और सबको नाश्ता पानी और अच्छा अच्छा खाना नाश्ता सारा नेत्री उनको नाश्ता भी देता है। जन समाज के लोगों को लिखा हुआ है दुकान पर। अच्छा, क्या करते हैं आप? मेरी तरफ से बाहर के जन समाज के जो लोग आते हैं उनके लिए फ्री नाश्ता देता है। अच्छा अच्छा अच्छा, फ्री नाश्ता भी उपलब्ध है। चलो, ये तो बड़ा पुण्य का काम है जो आप करते हैं भैया। हम लोगों को कम से कम थक गए हैं, चाय ही बना दीजिए तो चाय पी लें हम लोग। नाश्ता बनता है पूरा केले के समोसे। अच्छा अच्छा, मूंग की दाल की कचौड़ी, पोहा, जलेबी, पालक की पकौड़ी, केले की फिंगर चिप्स, पूरा नाश्ता बनता है टोटल। अच्छा अच्छा, लहसुन प्याज का काम नहीं होता है, यहाँ आलू का होता है। अच्छा अच्छा, यहाँ लहसुन प्याज नहीं, मतलब पूरा जैन से रिलेटेड जो भी शुद्ध खाना होता है वो आपको यहाँ मिलता है। अच्छा अच्छा अच्छा, भैया क्या नाम क्या है भैया की दुकान का? जो भी दुकान अच्छा है हम बताएं, पूरे यहाँ पर इस एरिया में सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा वैरायटी की जो आपको यहाँ पर खाने पीने की चीजें मिलेगी वो यहीं मिलेगी इसी शॉप पर। नानू टी स्टॉल। नानू टी स्टॉल। चलो अब हम लोगों का भी टाइम हो गया, चाय वाय पीते हैं, थोड़ी एनर्जी लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं अपने घर की तरफ। और जो भी यहाँ पर सोनागिर में विजिट करने आते हैं वो भैया की दुकान पर जरूर आए। और भैया का ये पीछे नंबर भी लिखा हुआ है तो आप लोग देख सकते हैं, जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं, यहाँ से खाने वाने की सारी व्यवस्था हो जा सकती है। काफ़ी पुरानी दुकान है, 35-40 साल हो चुके हैं। हाँ सही बात है, जब आते हो फेस्टिवल।
यात्री इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे साफ सफाई रहती है, माने तो कई है लेकिन कई जगह आलू लहसन प्याज हर कुछ चलता है। यहाँ केवल परमानेंट जो यात्री आता है 12 महीने वहीं पे आता है क्योंकि उनको मालूम है जैन सब चीज देखते हैं। हाँ सही बात है, सकर पूरा यात्री इसी दुकान पे आता है। नाम पुष्कल जैन फास्ट फूड सोनागर में, इस कंटी कोटी के सामने है, कांच सामने वाला, ये सामने कोटी है, इस मंदिर के सामने। दिल्ली बम्बई के भी लोग आते हैं? हाँ, यहाँ तो विजिट करने आते होंगे, दिल्ली से मुंबई से हर जगह से आते हैं। तो ये भैया की दुकान है, अगर आप लोग यहाँ आए तो यहाँ नाश्ता पानी कर सकते हैं, सबसे ज्यादा शुद्ध और अच्छी क्वालिटी का आपको मिलेगा यहाँ पर। चलो, यहाँ पोहे हैं, चाउमीन है, सारी सुविधाएं हैं। ऊपर वो आपको दिखाई दे रही होगी, बनाते हैं देसी घी से निर्मित। अच्छा, देसी घी से निर्मित? अरे वाह यार, बढ़िया, क्या बात है। दाल बाटी नाश्ते के लिए पूरी पराठे का ऑर्डर भी बुक किया जाता है। अच्छा, ऑर्डर भी बुक होता है अपने? चलो ये बहुत बेहतरीन चीज है, यात्रियों को परेशान नहीं होती, होने देते हैं, मतलब यहाँ पे व्यस्तता तो कोई है नहीं है। हाँ हाँ, यात्री के लिए परेशान नहीं होने, जो वो मांगता है वो सुविधा उपलब्ध कर देते हैं। चलो ये बढ़िया है यार, अच्छे से बैठे हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने लोगों के साथ आप शेयर करेंगे उनको भी इस प्लेस के बारे में पता लगेगा, तो वो भी घूमने आ सकते हैं, इस खूबसूरत जगह का मज़ा ले सकते हैं। और जब तक आप क्या करते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्ती करते रहें और हंसते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई दुनिया के साथ। टाटा, बाय बाय।